सर्दी आ गई है और सर्दियों के मौसम में ढेर सारी पालक बाजार में मिलना शुरू हो जाता है। आप चाहे तो इससे न केवल आलू पालक का साग बना सकती हैं, बल्कि पालक पुलाव या पालक राइस, पालक पराठा, पालक पूरी, कई तरह से इसे इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने परिवार को सरप्राइज भी दे सकती हैं। सर्दियों में गर्मा गर्म पालक पुलाव देख करके हर किसी के मुंह में पानी आ जाएगा। ये काफ़ी टेस्टी भी होता है। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो पालक में आयरन और विटामिन्स भी होता है। आप इसे ऑफिस या बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। हेल्दी होने के साथ साथ यह पुलाव बेहद टेस्टी भी होता है। आज हम लोग पालक पुलाव बनाना सीखेंगे, तो आप सभी का स्वागत है मेरे मान्या किचन में। और चलिए हम लोग देखते हैं पालक पुलाव आज कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग पालक को 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। तो पालक को हम अच्छे से धुल करके साफ करके ले लिए हैं और एक भगोने में पानी डालकर अपने पालक को हम लोग ब्लांच कर लेंगे 2 मिनट के लिए। और जब पालक ब्लांच हो जाएगा तो इसे पानी से निकाल के हमें इसे ठंडा पानी से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद पालक को पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब पालक को एक बोल में निकाल के हम लोग साइड में रख देंगे और करेंगे पुलाव की तैयारी। तो उसके लिए मैं एक प्रेशर कुकर को गैस पे रख करके उसमें घी डाली हूँ। पुलाव बनाए तो आप घी में ही बनाएं, घी से अच्छा टेस्ट आता है, तो घी का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद हम डालेंगे तेज़पत्ता, 2 से 4 लौंग, लाल मिर्च डालेंगे, एक छोटा इलायची तोड़ के डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च बाद में डालेंगे। तो हम यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाल रहे हैं, लहसुन कटा हुआ डाल रहे हैं और इन्हें डाल के थोड़ा सा हम भून लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे थोड़े से हम काजू, थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा किशमिश, इनको बीच से तोड़ लिए हैं और इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। ध्यान देना है हमारे ड्राई फ्रूट्स जले नहीं। और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे अपना कटा हुआ प्याज और कटे हुए प्याज को डाल के 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब प्याज जो है भून चुका है, तो अब हम लोग ऐड करेंगे अपनी सब्जियों को। तो सब्जी में हम यहाँ पे लिए हैं गाजर, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लिए हैं, और थोड़ा सा लिए हैं बीन्स, इसे भी हम कट कर लिए हैं, और इन सब्जियों को डाल के हम भून लेंगे 1-2 सेकेंड के लिए। हमें इसे पकाना नहीं है क्योंकि जब चावल पकाएंगे तो ये खुद ही पक जाएंगे। और अब हम लोग डालेंगे अपने मसाले। तो मसालों में हम लिए हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और कोई मसाले हम यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। गरम मसाले से पूरा फ्लेवर आ जाएगा, तो हम बाकी मसाले यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं और इन मसालों को भून लेंगे। भूनने के बाद ऐड करेंगे हम अपने चावल को। चावल के साथ ही हम लोग ऐड कर देंगे अपनी कटी हुई हरी मिर्च। तो चावल और हरी मिर्च को अब डाल करके इसे भी हम लोग 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। चावल जितना अच्छा भुनाएगा उतना ही आपका बढ़िया पुलाव भी बनेगा। तो चावल को भून ले, भुनने के लिए टाइम दे और अच्छे से भुने। जब चावल अच्छे से भुन जाएगा तब हम लोग इसमें पालक का पेस्ट जो पीसे थे वो हम लोग ऐड कर देंगे। और पालक को ऐड करने के बाद फिर से हम लोग भून लेंगे 2 मिनट के लिए अपने चावल को। और जब भुन जाएगा उसके बाद ऐड करेंगे पानी। तो 1 कटोरी चावल के लिए 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग का पालक राइस जो है वो भून चुका है, तो चलिए पानी ऐड करते हैं। तो 2 कटोरी पानी ऐड कर देंगे हम। उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और नमक भी ऐड करके मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग ढक्कन लगा के 1 सीटी प्रेशर आने तक पका लेंगे। पालक राइस हम लोग का अब रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं।
रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपके मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थोड़ी सी धनिया पत्ती से हम इसे गार्निश कर देंगे और आज की थाली हमारी होने वाली है ग्रीन ग्रीन, इसलिए मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी, ग्रीन अनियन एंड ग्रीन रायता। रायता मैं बनाई हूँ ग्रीन चटनी और अनियन के साथ। रायते में थोड़ा भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे और सर्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।